ओके, गुड इवनिंग बेटे। गुड इवनिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर टू एंड लेक्चर नंबर टू। रेडी? सपोज यू रिमेम्बर व्हाट वी हैव स्टडीड यस्टरडे। वी हैव स्टार्टेड स्टैंडर्ड 11 एंड वी हैव कंडक्टेड लेक्चर 1 यस्टरडे। सो वी हैव टुडे सेकंड लेक्चर and about the chapter number 2. But the first lecture for chapter 2, yesterday we have just given just introduction about what is the physics, what is the science, so many things. Now tell me what any words if you remember. Physics is the king of subjects. Yes. And math is the queen of subjects. Yes, physics is the king of science. Science. Okay. सारे जो भी कुछ भी जितने भी साइंस टीम उनमें से किंग है वैसा टेक्स्ट बुक बता रही है। सो नाउ लेट्स गो टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 2। लेट्स शेयर स्क्रीन विथ यू। नाउ इफ यू वांट टू स्क्रीन ऑफ वीडियो ऑफ देन यू कैन टेक इट ऑफ। इट इज नॉट कंपलसरी यू हैव टू कीप इट ऑन। व्हेन एवर आई एम टेलिंग देन एट दैट टाइम कीप इट ओपन। Okay, so now the white screen is visible to you? दिख रही है ना बेटा? हाँ हाँ दिख रही है। Okay, okay. Oh, sorry. Now let's disable and so many things. चैप्टर नंबर 2। वेरी बेसिक चैप्टर है, वेरी सिंपल। और जब तक आप साइंस में स्टडी करते हो तो उसका बेसिक्स इस चैप्टर का तो आएगा ही। एंड द चैप्टर नेम इज द यूनिट्स एंड मेजरमेंट। Now you have one question in mind, sir. What is the unit and what is the measurement? चलो उसका basic में बता दूँ कि units की क्या ज़रूरत है, why, what is unit, so many things, so many questions are there. So let's say, ask one question to you. Suppose your mom, your dad telling you that please, beta, bring one or bring some sugar from the bazaar. Then your parents can't directly say that ऐसे आतर के नहीं बताएगा जब बेटा तू इस sugar लेके आ बाजार से। तो मम्मी बोलेगी क्या बोलेगी कि जाओ बाजार से किलोग्राम या फिर 500 ग्राम sugar लेके आओ, या फिर कोई साबुन वगैरह लाना हो तो बताएंगे चलो भाई वैसा बताएंगे चलो भाई 5 साबुन 10 साबुन इतने साबुन लेके आओ। यानी कि अगला जो डिजिट है वो इम्पोर्टेंट तो है, इसके अलावा बैक साइड जो बोलते हैं किलोग्राम या फिर नंबर ऑफ वो भी इम्पोर्टेंट है ना? यस और नो? वैसे नहीं बोले कि चलो भाई बाजार से ये लेके आओ, लेकिन मैं ऐसा पूछूं कि चलो मुझे नडियाद से अहमदाबाद जाना है, तो नडियाद से अहमदाबाद 50 किलोमीटर्स अराउंड जितना 50 किलोमीटर से, तो मैं पूछू चलो मैं 50 किलोमीटर जाऊंगा तो मुझे क्या अहमदाबाद मिल जाएगा? यस और नो? गिव मी रिप्लाई, यस और नो? यस यस। सो यू हैव वन डाउट, आई हैव वन डाउट। 50 किलोमीटर जाऊंगा तो बड़ौदा भी आ सकता है, आनंद भी आ सकता है, और कुछ भी गांव आ सकते हैं। तो मुझे 50 के साथ डिरेक्शन भी देनी पड़ेगी और किलोमीटर वैसा मैं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ इतना बोल रहा चलो 50 में गया 50, लेकिन क्या 50 किलोमीटर में ऐसा बोलो चलो 50 मीटर में अहमदाबाद आएगा नहीं आएगा, है ना? डिरेक्शन वगैरह कहाँ जाना वो नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, लेकिन किलोमीटर जो मैं यूनिट बोल रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। चलो मैं ऐसा बोलू अमेरिका इज 10,000 अपार्ट फ्रॉम द इंडिया, इतना 10,000, तो 10,000 क्या 10,000
फीट होगा या फिर 10,000 मीटर होगा या फिर किलोमीटर होगा, तो बैक साइड जो डिजिट होता है वो इंपॉर्टेंट होता है. सो दैट इज द यूनिट्स. पहले के एंशिएंट जमाने में ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था. उस जमाने में तो जब पैसा ही नहीं था, कुछ था ही नहीं, तो पहले तो क्या करते थे, कोई चीज सामने से एक साइड लो और दूसरी साइड दो. फार्मर कुछ उसका क्रिएशन करता था, तो चलो फार्मर कुछ अपने गांव में अपने खेती लायक जमीन से कुछ ना कुछ पैदा लेके आता था, चलो गेहूं वगैरह कुछ ना कुछ या फिर पोटेटो व्हाटएवर, तो वो किसी और को देता था, तो किसी और के बारे में वो कपड़े वगैरह सब कुछ खरीदता था. तो उस टाइम की बात अलग थी. अब इस जमाने में पैसे है और मोस्टली कन्वर्जेशन पैसे हो रहा है और पैसे से होता है, तो पैसा भी एक टाइप का यूनिट होता है. देखो वैसा नहीं है कि चलो यूएसए डॉलर, यूएस का डॉलर, अमेरिका इंडियन रुपीस या फिर अनदर कंट्रीज के सारे जो कुछ भी वो सेम है. सेम नहीं है. सिमिलरली सपोज आई गिव यू एग्जांपल, $1 यूएस डॉलर इज इक्वल टू नियरली 73 रुपीस नाउडेज. और पहले तो 1910 में या फिर 1905 में तो $1 इक्वल टू 1 रुपीस था उस जमाने में. लेकिन अब तो चेंज हो गया सब कुछ. तो देखो कन्वर्जेशन होना वो भी इम्पोर्टेंट है उतना. जितना इम्पोर्टेंट हमें, जितना इम्पोर्टेंस हमें कन्वर्जेशन में है उतना ही इम्पोर्टेंट यूनिट में भी है. तो वन क्वेश्चन इन योर माइंड के व्हाट इज यूनिट, यूनिट क्या है, ठीक है. और वैसा भी नहीं है कि चलो सारे देश में यूनिट्स, वैसा नहीं है कि चलो किलोग्राम, इंडिया में किलोग्राम इतना मिलता है, पाकिस्तान में किलोग्राम इतना बड़ा, अफगानिस्तान में इतना छोटा, रशिया में अलग, यूएस में अलग, ऑस्ट्रेलिया में अलग, हंगेरी में अलग, युगांडा में अलग, अफ्रीका में अलग, वैसा नहीं है. यूनिवर्सल होना चाहिए यूनिट भी, है ना. कैसे नहीं कि हर देश में किलोग्राम अलग अलग हो, हर देश में सेम ही होना चाहिए यूनिट, वो भी और इजीली अवेलेबल भी होना चाहिए कि किलोग्राम. चलो किलोग्राम ऐसी कुछ नहीं कि चलो किसी को मिली नहीं, किलोग्राम में सिंपल और सिंपली मिल सके ऐसा होना चाहिए. और इतना महंगा भी नहीं होना चाहिए कि कोई ये यूनिट खरीद भी ना सके, मेजरमेंट नहीं कर सके, रेप्लिका भी ना कर सके, यानी कि कॉपी भी ना कर सके. चलो सपोज स्केल, हमारे पास स्केल होती है 15 सेंटीमीटर भी, तो इजीली अवेलेबल होनी चाहिए और उसकी कॉपी पेस्ट भी होनी चाहिए. ऐसे नहीं कि एक बार यूनिट बन गया तो बाद में कभी यूनिट बने ही नहीं, ठीक है. सो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट. फिर से मैं बता रहा हूं कि इंटरनेशनली, है ना, ये एग्जाम में नहीं पूछेगा कि चलो यूनिट की डेफिनेशन बताओ, लेकिन इट इज द वेरी बेसिक. सो आई एम टेलिंग यू कि यूनिट क्या है. तो इट इज द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस और स्टैंडर्ड. कोई भी स्टैंडर्ड डिफाइन किए जाते हैं उसको बोलते हैं यूनिट. चलो इतना पता चला बेटा. Yes or no? हाँ. Yes. Now units are three types के होते हैं basically. Text में two types के ही दिए, लेकिन mainly three types के होते हैं. तो मैं three types another में कर रहा हूँ. First one is fundamental units. First one is फंडामेंटल और बेस, बेसिक बोलते हैं जिसको यूनिट. सेकेंड वन इज डिराइव, यानी कि फंडामेंटल में से डिराइव किया हो उसको हम बोलेंगे डिराइव यूनिट्स. चलो ये दोनों में पता चल गया. फंडामेंटल यूनिट्स में बता रहा हूं कि फंडामेंटल क्या होता है. देखो फंडामेंटल में आपको बताऊं कि मीटर, तो मीटर से आप किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, सो मेनी आप सभी में कन्वर्ट करते हो. तो जो कन्वर्ट करके बना कन्वर्जेशन, सपोज मैं आपको बताऊं स्पीड, तो स्पीड आप मेजर करोगे चलो मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर सेकेंड, तो वो जो किलोमीटर पर सेकेंड मिला उसको हम बोलेंगे डिराइव, और जो किलोमीटर है सेकंड है उसको हम बोलेंगे बेसिक. ओके
फंडामेंटल का क्या बताया? सॉरी बेटा, किलोमीटर और मीटर का बेसिक कौन से बेसिक से, वो मैं अभी बता रहा हूँ, लेकिन मैंने जस्ट बेसिक बताया कि ये बेसिक्स वो किसी और में से डिराइव नहीं किए जाते। किलोमीटर तो किलोमीटर किसी और में से हमने नहीं ला सकते, मास में से नहीं ला सकते, टाइम में से भी, टाइम से हम डिस्टेंस नहीं मेजर कर सकते, वैसे भी टाइम से हम लेंथ मेजर नहीं कर सकते। तो जो भी फंडामेंटल है उसको हम बोलेंगे फंडामेंटल। लेकिन देखो स्पीड मेजर करनी है तो स्पीड हम किलोमीटर पर सेकंड यानी कि किलोमीटर और सेकंड दोनों की मदद से हम डिराइव करेंगे। पता चला और नो? कंबाइन कर दिया दोनों का, ऐसा मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, स्क्वायर करो, रूट निकालो, कुछ भी करो, लेकिन फंडामेंटल का यूज करके जो करते हैं उसको हम बोलेंगे डिराइव यूनिट्स। वो डिटेल्स से हम इस चैप्टर में देखने वाले। ओके ओके, तो देखो यूनिट्स के लिए जो भी सिस्टम बनी है फंडामेंटली, तो लेट्स गो नेक्स्ट पेज। सपोज फंडामेंटली यूनिट्स बेसिकली देखो, इनिशियली तो ब्रिटिश एम्पायर था पूरे वर्ल्ड में, उस टाइम पे ना तो ज्यादा रिसर्च हुआ था, ना तो ज्यादा टेक्नोलॉजी थी, तो वर्ल्ड वाइड जो भी देन लेन जो कुछ भी करना था, तो जो कुछ भी मेजर करना था, तो बेसिकली उस टाइम पे सिर्फ जरूरत थी मास मेजर करने की, लेंथ मेजर करने की और टाइम मेजर करने के लिए। तो एक्सेप्टेड सिस्टम एट दैट टाइम वाज द एफपीएस सिस्टम। देखो सारे बेसिक यूनिट्स होते हैं, उस बेसिक यूनिट्स में उस टाइम पे एक्सेप्टेड था वो था एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम मींस व्हाट? लेट्स आई एम टेलिंग यू, एफपीएस सिस्टम। तो उसमें फर्स्ट हम ले रहे हैं एफपीएस, उससे बेसिक तो वैसे ही था, मैंने बताया कि डायरेक्टली आप लेन देन कर सकते हो। तो फर्स्ट सिस्टम है एफपीएस। तो एफपीएस सिस्टम ओके, तो ओके ऑफ एफपीएस में क्या क्या मेजर किया जाता था वो भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि चलो एफपीएस तो हुआ, तो एफपीएस में इस सिस्टम में मेजर क्या क्या करते थे। ठीक है, एफपीएस के पहले उससे भी बेसिक एक सिस्टम थी, उसका नाम था सीजीएस, यानी कि सेंटीमीटर फॉर सी, जी फॉर ग्राम एंड एस फॉर सेकंड, यानी कि थ्री बेसिक क्वांटिटी मेजर करते थे। सीएम यानी कि हम क्या मेजर करते हैं बेटा? लेंथ। ग्राम मींस क्या मेजर करते हैं? मास। सेकंड मींस क्या मेजर करते हैं बेटा हम? टाइम। यस और नो? यस। ठीक है, हम सारी जो देख रहे हैं हम फंडामेंटली इंटरनेशनल जो भी सिस्टम है वो देखते रहे फंडामेंटली सिस्टम्स ये देख रहे हैं। और उसमें हमने फर्स्ट देखा सीजीएस, तो साइंटिस्ट को कुछ और कुछ रखा, चलो भाई डिस्टेंस मेजर करना है तो एफपीएस इज नॉट कन्वीनियंट एवरी टाइम, सो उसने एफ फॉर फुट, है ना, एफ फॉर फुट लेंथ, हम फुट में मेजर करते हैं 1 फीट 2 फीट, और मास को कैलकुलेट करने के ग्राम की जगह पाउंड यूज किया। देखो पाउंड, पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, अभी देखो कई कंट्रीज में पाउंड यूज हो रहे मेजरमेंट करने के लिए, और टाइम के लिए क्या हुआ? सेकंड। ठीक है, तो साइंटिस्टों ने ये सब कुछ भी मेजर किया और उस टाइम पे वो भी कन्वीनियंट लगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई और साइंटिस्ट को ऐसा लगा कि चलो इतना तो इनफ नहीं है, हमें और कुछ भी चाहिए। तो थर्ड वन जो सिस्टम आई, उस सिस्टम का नाम था एमकेएस सिस्टम। सिस्टम का नाम क्या है बेटा? एमकेएस, यानी कि लेंथ मेजर करनी हो तो आपको करनी होगी मीटर में। कैसे मेजर करना है लेंथ को? मीटर में। मास को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो भाई किलोग्राम में।
देखो इवोल्यूशन हो रहा है, पहले ग्राम में हो रहा था, फिर पाउंड में, फिर किलोग्राम में, एंड टाइम इज सेम इन सेकंड. ओके ओके. एंड वन मोर थिंग, फिफ्थ, नॉट गिवन इन बुक, लेकिन आई एम टेलिंग यू, एम के एस ए, यानी कि देखो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई. अब कुछ मेजर करना हो तो कैसे मेजर करते हैं, तो देखो लेंथ तो मीटर में ही करते हैं, मास तो किलोग्राम में ही करते हैं, टाइम तो कभी सेकंड में ही मेजर करते हैं. लेकिन एक और क्वांटिटी बढ़ गई उस टाइम पे, इलेक्ट्रिसिटी का रिसर्च हुआ. तो अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे फाइंड किया जाए, तो इलेक्ट्रिसिटी फाइंड करने के लिए ए मीन्स एम्पियर, साइंटिस्ट की याद में देखो अभी भी करंट एम्पियर में ही मेजर करते हैं, है ना, कितना करंट है, एक एम्पियर, दो, तीन, चार, वैसे करंट ऐसे ही मेजर करते हैं. तो देखो ये आती गई टेक्नोलॉजी ऐसे इंक्रीज होती गई होती गई होती गई होती गई होती गई होती गई. नाउडे लेटेस्ट सिस्टम क्या है भाई, तो लेटेस्ट इज एसआई सिस्टम. लेटेस्ट क्या है बेटा, एसआई सिस्टम. एसआई सिस्टम में टोटल 7 फंडामेंटल है, कितने है बेटा, 7 फंडामेंटल यूनिट्स है. तो देखो इसमें फंडामेंटल यूनिट्स 3 थे, इसमें 3 थे, इसमें भी 3 थे, इसमें 4 हुए, और इसमें कितने हुए बेटा, 7. तो अब ये होना चाहिए कि चलो भाई 7 कौन से है, क्या कुछ मेजर करना है, वो हम देखते हैं नेक्स्ट पेज. ठीक है, सो एस आई यूनिट्स यानी कि फंडामेंटली बेसिक क्वांटिटी कितनी रहेगी बेटा, कितनी रहेगी, 7. कितनी रहेगी, 7. ओके, तो उसके लिए देखो फर्स्ट बेस क्वांटिटी यानी कि फंडामेंटल बेस या फिर फंडामेंटल. ओके, तो उसके लिए ऐसा यूनिट्स क्या है, एसआई में इसके लिए क्या यूनिट्स दिया है, इसका सिंबल क्या है, वो भी हमें पता होना चाहिए, और ये फंडामेंटल क्वांटिटी का नेम क्या है, इसके लिए सिंबल क्या है, वो भी इतना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चलो हम एक के बाद एक देखते हैं. फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी हमें मेजर करना है, चलो लेंथ, क्या मेजर करना है, लेंथ. तो लेंथ कैसे मेजर की जाती है, तो लेंथ मेजर की जाती है मीटर में, यस और नो, हेलो, यस, ओके. इसके लिए सिंबल इज गिवन स्मॉल m, चलो ठीक है, यस और नो, ठीक है ठीक है, ओके, चलो चलो एक हुआ. ठीक है, हम और सभी देख रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स आई ड्रॉ. इतने में आ जाए तो ठीक है, वरना और लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी. चलो फिर हमें मेजरमेंट करना है मास, क्या मेजर करना है बेटा, मास, टोटल 7 है. चलो मास तो भाई किलोग्राम में, एसआई का फुल नेम पता है बेटा, सिस्टम इंटरनेशनल. ठीक है, 1962 में फ्रांस में सारे कंट्रीज एक्युमुलेट हुए थे और उन सभी ने सिस्टम डिफाइन की एसआई, और इसके लिए सिंबल है केजी, ना तो कोई डॉट लगाना है ना कुछ और करना है, सिर्फ केजी लिखना है. ओके, याद रखते जाना. फिर मेजर करना है टाइम, क्या मेजर करना है, टाइम. तो टाइम के लिए तो पता ही है क्या होगा, चलो बताओ,
टाइम के लिए second, बताओ सेकंड यस करेक्ट चलो सेकंड सिंबल क्या रहेगा स्मॉल एस स्मॉल एस ठीक है ओके अब हम मेजर कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या कर रहे हैं मेजर इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं एम्पियर में कैसे मेजर करते हैं कैसे मेजर करते हैं एम्पियर में और उसके लिए सिंबल क्या है कैपिटल ए तो देखो ये तो पिछले वाला जो था एम के से सिस्टम मैंने जो बताया यही है ना ये चार तो वही है तो चेंजेस क्या हुए अब तीन और ऐड होते हैं देखो और ज्यादा रिसर्च हुआ और ज्यादा मेजरमेंट करने की जरूरत पड़ी तो यहां पे टेम्परेचर क्या टेम्परेचर हम लेंथ में मेजर कर सकते हैं कभी नहीं ना नहीं टाइम में मेजर कर सकते हैं नहीं नहीं करंट में मेजर कर सकते हैं नहीं तो फिर टेम्परेचर के लिए और अलग ही होगा पर टेम्परेचर मेजर करने के लिए एसआई ने एक्सेप्टेड किया हुआ है केल्विन हम तो सेल्सियस यूज कर रहे हैं पता है ना 30 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस और डॉक्टर फारेनहाइट यूज कर रहे हैं लेकिन एसआई ने एक्सेप्ट किया केल्विन और इसके लिए सिंबल क्या है इसके लिए सिंबल है कैपिटल के चलो पता चला नंबर फिफ्थ ओके यहां तक क्लियर हाँ क्लियर है ओके नंबर सिक्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस देखो केमिकल में जब भी कोई प्रोसेस कर रही हो तो मास में नहीं लेते वो लेते ऑलवेज मोल में आपने केमिस्ट्री में पढ़ सॉरी टेंथ में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपने देख लिया कि वन मोल टू मोल सोडियम क्लोराइड तो वन मोल सोडियम वन मोल क्लोरीन या फिर ऑक्सीजन के लिए वन मोल ऑक्सीजन टू मोल हाइड्रोजन वगैरह सब कुछ है ना सो द नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ठीक है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं मोल और उसका सिंबल है MOL चलो पता चला ये केमिस्ट्री के लिए ज्यादातर है मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अब देखो एक बाकी रहा है कितने बाकी रहा कितना बाकी रहा बेटा एक ये याद रहेंगे सारे के सारे के नहीं हाँ रहेंगे हाँ ना पक्का ना मैं पूछू तो आपको लिख पाओगे कि नहीं हाँ लिख पाऊंगा श्योरली वेरी गुड चलो सॉरी एसआई यूनिट्स ओके एंड द फाइनल इज द फोर लाइट इंटेंसिटी या फिर लाइट तुम बल्ब लेने जाओ वगैरह कुछ लेने जाओ तो उसमें लिखा होता है लाइट यानी कि इसके लिए उसमें लिखा है ल्यूमिनियस ल्यूमिनियस इंटेंसिटी नीचे लिख रहा हूं ल्यूमिनियस इंटेंसिटी ओके तो वो तो प्रैक्टिकली पढ़ने में कभी भी आने वाला नहीं है लेकिन इसको याद रखना है वो मेजर करते हैं कैंडेला में अब बल्ब वगैरह सीएफएल ट्यूब लाओ तो उसमें लिखा हुआ कि कितने ल्यूमिनस का बल्ब है 1000 का 500 का कितने ल्यूमिनस का वहां लिखा है और इसके लिए सिंबल है सीडी चलो याद रहेगा बेसिक यस और नो देखो ये सारे के सारे फंडामेंटल और बेसिक यूनिट से बेटा सारे के सारे हमने फर्स्ट पेज पे जो लिखा था कितने यूनिट्स होते हैं उसमें हमने फंडामेंटली बेसिक अभी देखा चलो क्लियर क्लियर
और यूनिट्स कैसे होने चाहिए वो तो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, टेक्स्ट बुक में नहीं बताया, लेकिन मैंने बताया कि जो भी जितने भी यूनिट्स होते हैं वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए, परचेज कर सके, इसकी रेप्लिका कॉपी कर सके, वैसे सब कुछ उसकी प्रॉपर्टी होती है। और फंडामेंटली सिस्टम जो जो कुछ भी थी फंडामेंटल यूनिट्स मेजर करने के लिए, तो टाइम टू टाइम इंक्रीज होती गई, रिवोल्यूशन होता गया, सीजीएसआई, एफपीएसआई, एमकेएसआई, एमकेएसए आया, और फिर लेटेस्ट सेवेंथ फंडामेंटल यूनिट्स के लिए जो सिस्टम आई उसको हम बोलते हैं एसआई यूनिट्स, सिस्टम इंटरनेशनल, उसमें सेवन बेसिक या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उन सभी के लिए सिंबल क्या है, नेम क्या है, ये सब कुछ याद रखना। रख पाओगे? चलो एक बार याद रख लो, केमिस्ट्री में भी आएगा आई थिंक सो, ये सब कुछ। चलो एक बार याद रख लो, एक बार देख लो। त्रीजू शू छे, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, दैट्स मीन्स एनो मतलब शू थशे, सप्लीमेंट्री मीन्स पूरक एकमो के जे फंडामेंटल मां बेसिक मां ना आवे, डिराइव मां ना आवे, एक पण मां ना आवे, मात्र आमां ज आवे, एवा थोड़ा छे, पण टेक्स्टबुक मां नाम नहीं लख्यू एटला माटे मैं अलग थी रख्यू ग्रीन कलर थी। ओके, तमे याद रखो, पण ए टेक्स्टबुक मां बेनी डेफिनेशन पण आपेली, व्याख्या पण आपेली छे, અને મેઝરમેન્ટ કરવા માટે પણ જરૂરી છે। તમે કહેશો એવું તો વળી શું છે, ચાલો હું એવું કહું, તમારે એંગલ માપવાનો છે, શું માપવું છે, એંગલ એટલે ખૂણો, તો ખૂણો સમયથી મપાય, મેઝર થાય ક્યારે, ઇઝ ઇટ પોસિબલ, હા કે ના, યસ ઓર નો, ના, એંગલ માપવો હોય તો તમે ક્યારે ટાઈમથી માપી શકો, માસથી માપી શકો, કોઈથી ના માપી શકીએ, તો એવા જે યુનિટ્સ એકમ છે એને સપ્લિમેન્ટરી યુનિટ્સ કહેવાય। અને બીજું એવું ને એવું છે, રેડિયો એક્ટિવિટી, જેને કેન્સર કે એવું કશું થયું ને તો એને ડોઝ આપે રેડિયો એક્ટિવિટીના, અથવા રેડિયો એક્ટિવ પદાર્થ જે ચળકતો પદાર્થ હોય એકદમ, તો એ પણ બીજે એકથી ના માપી શકીએ રેડિયો એક્ટિવિટી। તો આ બે છે તમારી જાણ માટે, ખ્યાલ આવી ગયો, ખૂણા બે પ્રકારના માપી શકાય, રેખીય અને એવી રીતે, આવશે ત્યારે કહીશ। ચલો એટલું ક્લિયર દરેકને, બધી સ્ટુડન્ટ ક્લિયર ના, चलो इतने याद रखिएगा, और स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। पहले दिन के लिए इतना बस, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर, वैसे लेक्चर सेकंड है लेकिन चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर ये हुआ, इतना याद रखना है आपको, अटलू याद रख जो बराबर, हा ना कई तो बोलो, हाँ हाँ ओके, तो मने ख्याल आवे समटाइम्स एवुं थाय के लिंक ब्रेक थई गई शकशे, तो चलो हूँ शेरिंग स्टॉप करू छू। ओके, इफ पॉसिबल वीडियो स्टार्ट करेगा, मैं रेकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।